दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मोबीक्विक जीप का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करें। अगर दोस्तों मोबीक्विक जीप का पैसा आप ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मोबीक्विक जीप का पैसा ट्रांसफर करने के लिए बताएंगे, तो दोस्तों इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मोबीक्विक जीप एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे कि मेरे वॉलेट में 503 रुपए यहां पर दिख रहा है। और दोस्तों ये पैसा दोस्तों आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बताएंगे और दोस्तों लाइव प्रूफ के साथ यहां पर दोस्तों बैंक में ट्रांसफर करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बैंक ट्रांसफर में करने के लिए यहां पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं वॉलेट टू बैंक, यहां पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर दोस्तों आप जैसे क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहां पर अगर दोस्तों आप पहले से पैसा किसी के पास भेजे होंगे तो यहां पर दोस्तों ऑलरेडी यहां पर नेम आ जाएगा। और दोस्तों अगर आप दूसरे अकाउंट में भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं ट्रांसफर टू ए न्यू अकाउंट, यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पैसा बैंक में लेने के लिए दोस्तों दो तरीके हैं। पहला यहाँ पर अकाउंट नंबर और दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं यूपीआई आईडी। तो दोस्तों यहाँ पर आप यूपीआई आईडी से भी ले सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप बैंक अकाउंट से भी दोस्तों पैसा आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप अपना बेनिफिशियरी नेम डालेंगे, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, यहाँ पर दोस्तों जो आप बैंक होगा यहाँ से आप डाल लेंगे। और अगर दोस्तों आपके पास बैंक नहीं है और दोस्तों यूपीआई आईडी में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों यूपीआई आईडी डाल के कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अकाउंट नंबर से हम लेते हैं पैसा। यहाँ पर दोस्तों आप अच्छे से अकाउंट का डिटेल्स डाल लेंगे और दोस्तों डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कर देना है कंटिन्यू। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपना अमाउंट डालना है, दोस्तों आप वॉलेट से कितना पैसा निकालना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 500 डालते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 11 रुपया दोस्तों यहाँ पर आपको चार्ज लगेंगे 500 में। तो दोस्तों मेरे पास जो पैसा है 503 रुपया है। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाते हैं आपको 100 रुपया ट्रांसफर करके। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए 100 रुपया अमाउंट डाल लेते हैं। 100 रुपया जैसे ही डालते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको यहाँ पर दोस्तों टैक्स देना पड़ता है 2 रुपया। तो दोस्तों यहाँ पर हम डालकर दोस्तों यहाँ पर कर देते हैं कंटिन्यू। यहाँ पर दोस्तों जैसे कंटिन्यू में क्लिक करेंगे यहाँ पर प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेते ही दोस्तों यहाँ पर जो आपका पैसा होगा सक्सेसफुली दोस्तों यहाँ पर लाइव प्रूफ यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरा जो पैसा था आसानी से ट्रांसफर हो चुका है। और दोस्तों चलिए यहाँ पर दिखाते हैं वॉलेट में। वॉलेट में दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरे पास जो बचा हुआ है पैसा 401 रुपया बचा है। और दोस्तों आपके सामने लाइव प्रूफ दोस्तों 100 रुपया यहाँ पर निकाल कर दोस्तों यहाँ पर दिखा दिया। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हिस्ट्री भी दिखा देते हैं कि कितना पैसा दोस्तों लेन देन यहाँ पर किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरा जो पैसा भी ट्रांजेक्शन हुआ है 100 रुपया यहाँ पर कुछ 100 हो गया इस तरह से। तो दोस्तों बड़ी आसानी से इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि मोबीक्विक जीप का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। और दोस्तों पैसा ट्रांसफर में कोई दिक्कत होता है तो दोस्तों मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।